फाइनली जो अभी टीम थी हमारी टीम विनर घोषित हो चुकी थी। हमारी विपक्षी टीम श्याम सिंह की टीम ने 66 रन बनाए थे जो हम लोगों ने छः ओवर में ही जीत लिए। दो ओवर शेष रह चुके थे और मात्र 3 विकेट गिरे थे और हमारे 5 विकेट अभी बाकी शेष थे। हम लोगों ने मैच जीत लिया है और जीत लिया है। कुछ अभी हमारी टीम के प्लेयर हैं, कुछ हमारी श्याम की टीम के प्लेयर हैं, एक बार इनसे पूछते हैं आखिर क्या कमी थी, हमारी टीम में कुछ कमी थी या इनके कमी थी। सबसे पहले तो चंदन मिश्रा, ये बताइए आपने लगातार तो नहीं कह सकता हूँ 3-4 छक्के मारे, बहुत ही अच्छी आपने बैटिंग की, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। इन्होंने बहुत सारा इस पर वो कर रखा है, कहाँ पे ओवर पिच बॉल थी, कहाँ पे शॉर्ट पिच बॉल था, कहाँ पे फील्डर नहीं था, यहाँ किसको कब बॉलिंग करवाना चाहिए था, इनको काफी इसके बारे में जानकारी है। चंदन चंद्रे तो अभी जो इसके बल्ले से रन लग गया अभी जो इसी को कहते हैं कि बेस्ट प्लेयर, इतने छक्के चौके मारने के बावजूद भी अपनी बढ़ाई ना करना और विपक्षी टीम के बारे में बोलना कि इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, फील्डिंग की, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं। अभी चंदन मिश्रा और चंदन कुमार सिंह, ये दोनों ऐसे प्लेयर थे जो बहुत ही अच्छा खेले और टीम को विजेता घोषित करने में इनका सबसे बड़ा योगदान रहा। तो सबसे पहले आपको, आपकी पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं यही चाहूँगा कि आप हमेशा हमारी टीम के लिए खेले और जो आपकी जो वार्षिक जितने भी पेमेंट होती है आपकी लाखों में वो आपको पहुंचा दी जाएगी। अब चलिए बात करते हैं एक बार विकेट कीपर रविंद्र सिंह से, बॉलर ओपनर एंड रविंद्र सिंह से बात करते हैं। आप अभी इस समय मैच हार चुके हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, किस वजह से हारे हैं? हमारी बैटिंग अच्छी नहीं रही और बॉलिंग भी, इस बारे में तो इसमें मतलब कमी क्या रह गई थी थोड़ा ये और क्या बोलूं, बैटिंग बॉलिंग दोनों बेकार रही तभी ना जीते, एक भी अच्छी होती तो नहीं जीत सकते। हाँ, इस चीज को मान सकते हैं। दूसरा लड़का का और अभी 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 एक प्लेयर है राजू, तो मिस्टर राजू बॉलिंग में से कोई चला, आप कुछ बोलिए अपनी टीम के बारे में। और इधर हमारे पास है मिस्टर अंकित कुमार शर्मा, थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में, थोड़ा सा अपनी टीम के बारे में बताइए, क्या कमी रह गई थी? प्लीज पब्लिक इंतजार कर रही है, कुछ नहीं बोलना है, सब ठीक है। आप बताइए किशन तिवारी, बॉलर नहीं चला तो कुल मिला के अभी इतने सारे प्लेयर हैं। और अवनीत पांडे, बहुत ही अच्छी आपने जो बैटिंग थी वो नंबर वन की थी और बॉलिंग दोनों नंबर वन की थी। आप भले मैच हारे हो इस बात का कोई गम या खुशी नहीं है, लेकिन आपने बहुत अच्छा खेला, अपनी टीम के लिए अच्छा योगदान किया, ऐसे खेलते रहें, हार जीत तो लगी रहेगी। अवनीत बहुत अच्छा खेला और इस मैच को जीतने में थोड़ा बहुत योगदान हमारे अंपायर साहब का भी था। ना बेईमानी नहीं, तो अभी जो हमारी टीम है, हमारी जो टीम है दिल्ली के चिराग और हमारे दो प्लेयर अभी आउटसाइड में खड़े हुए हैं। आप मुंह छुपा के क्यों खड़े पीछे? आप हेलो मीडिया में क्या बोलना चाहते हैं? हाँ, हेलो मीडिया में झाट बोलना चाहते हैं। तो आप पीछे क्यों खड़े हैं इस बारे में? तो आप हारी टीम से हैं या जीती टीम से हैं? हम दोनों टीम से हैं। हारी टीम से। अच्छा, इसीलिए सही नहीं बता रहे। तो अभी कुल मिला के जो रूप नारायण आर्यन की टीम थी वो जीत चुकी, विनर हो चुकी है, और श्याम की टीम बहुत बुरी तरह से हारी है, इसलिए अभी मैदान छोड़ के कहीं गए हुए हैं। और एक बार फिर से हम ही मैच होने के लिए अभी है और थोड़ा प्रैक्टिस की जा रही है। और तो चलिए वीडियो का यही समाप्त करते हैं और एक्सपीरियंस जो था वो बेस्ट रहा। और ये अभी नीतीश कुमार है, एक बार इसकी बॉल दिखा देते हैं और ये मार दिया है 4 रनों के लिए। जय महिला वर्धने, महिला वर्धने ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। जगदीश कुमार बॉलिंग कर रहे हैं और राजू कुछ सोच रहे हैं,
इसलिए सोचिए मत। चलिए वीडियो को यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।